क्या दुनिया में पानी पर तैरता हुआ भी कोई पोस्ट ऑफिस है? चल झूठा। दोस्तों, ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिसे आज हम बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन करोड़ों साल पहले उसका साइज तकरीबन 25 फीट हुआ करता था? कुछ भी। क्या पानी के अंदर भी कोई तड़कता भड़कता वोल्केनो हो सकता है? तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। अब जा। चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर से एक साथ मिलकर पता लगाते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु एंड वेलकम टू वाओ अमेजिंग फैक्ट्स, जहां बातें और फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते। आज भी बहुत अमेजिंग फैक्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फैक्ट। आप में से कितने लोग पोस्ट ऑफिस गए हैं? आई एम श्योर काफी तो एक ना एक बार गए ही होंगे, लेकिन क्या आप में से कोई भी एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में गया है? ये सब पूछने का क्या जरूरत है? Well, चांसेस हैं कि अगर आप श्रीनगर से हैं तो आप गए होंगे। दोस्तों, इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस हमारे श्रीनगर में है, और ये 200 सालों से कश्मीर में लेटर्स डिलीवर कर रहा है। पहाड़ों के बीच दल लेक के ऊपर काफी वेल मेड पोस्ट ऑफिस 200 सालों से फ्लोट कर रहा है। पानी में खड़ा ये पोस्ट ऑफिस दूर से एक नॉर्मल सा बोट हाउस लगता है, लेकिन ये काफी बिजी चलने वाला पोस्ट ऑफिस है। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में भी यहाँ लेटर्स आने कम नहीं हुए, और तो और ये इतना फेमस टूरिस्ट स्पॉट है कि इसके एक रूम को म्यूजियम में भी कन्वर्ट किया गया था, बट सैडली 2014 के फ्लड्स की वजह से वो म्यूजियम डिस्ट्रॉय हो गया था। ये पूरा पोस्ट ऑफिस इतना इंप्रेसिवली मेंटेन किया गया है कि आज भी कई टूरिस्ट की अटेंशन को ड्रॉ करता है। क्या आप कभी फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस गए हैं या जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्यों नहीं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फैक्ट भी हिस्ट्री से रिलेटेड ही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पुरानी बात है। कब तक ये सब चलता रहेगा भाभी? बात है तब की जब ह्यूमंस तो दूर ट्रीज भी इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन ट्रीज जैसे दिखने वाले बड़े बड़े मशरूम्स जरूर थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से 350-400 मिलियन साल पहले, जब प्लांट्स एंड ट्रीज एकदम नए नए थे, तब अर्थ पर मशरूम्स ही मशरूम्स पाए जाते थे। और छोटे मोटे मशरूम्स नहीं, ये 24-25 फीट टॉल फंगाई थे, जो किसी मैसिव ट्री से कम बिल्कुल नहीं थे। असंभव। इनके फॉसिल्स को पहली बार 1859 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन उनकी यूनिक शेप एंड स्ट्रक्चर ने साइंटिस्ट को 100 साल से ज्यादा देर तक कंफ्यूज किया हुआ था। ये कंफ्यूजन एंड हुई 2007 की एक स्टडी में, जब ये पाया गया कि ये फॉसिल्स एक्चुअली फंगाई के हैं। कैन यू इमेजिन एक दुनिया जिसमें ट्री से ज्यादा लंबे मशरूम्स हर कोने पर हों? ऐसा लगेगा एज इफ हम किसी एनिमेटेड मूवी में आ गए, बट एक टाइम था जब इट यूज्ड टू बी ट्रू। जान छूटी। ए, ये क्या कर रहे हो? दोस्तों, चलिए बात करते हैं माउंटेन्स की। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि दुनिया का बिगेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, पर क्या आपको पता है कि दुनिया की बिगेस्ट माउंटेन रेंज या चेन कहाँ है? एक हिंट दूं, वो लैंड पर कहीं नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज का नाम है मिड अटलांटिक रिज, और ये रेंज 65,000 किलोमीटर लंबी है। अरे भैया, तू क्या देख लियो? पर ये है कहाँ? आंसर है पानी के अंदर, एंड इसके नाम से तो वैसे पता चल ही गया होगा, बट ये रेंज अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। ये रेंज जिगजैग करती हुई ओशन में रहती है, लेकिन इसके कुछ टॉल माउंटेन्स को आप आइसलैंड में लैंड से देख भी सकते हैं। और तो और, इस रेंज के क्रेस्ट के साथ एक 80 से 120 किलोमीटर लंबी वैली भी पाई जाती है, और इस वैली में मोल्टन मैग्मा भी मौजूद है। कैन यू इमेजिन लावा प्रोड्यूस करने वाला मैग्मा, वो भी ओशियन में? पर इट्स ट्रू, मिड अटलांटिक रेंज को सालों से स्टडी किया जा रहा है, और इसमें कोई ना कोई न्यू डिस्कवरी भी मिलती रहती है, यहां तक कि यहां कुछ न्यू स्पीसीज भी मिले हैं। इसको जानने के बाद आई एम श्योर कि ह्यूमंस जितने लगता है कि हमें ओशियंस को अच्छे से जानते हैं, हम उतने अच्छे से नहीं जानते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? क्या आपने कुछ नया सीखा? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक टेक केयर।